इवनिंग स्टूडेंट बेटा, आप सभी बच्चों के पेपर आने वाले हैं। 11 तारीख से आपकी एग्जाम है, तो सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन करिए, घर में पढ़िए, ठीक है। पेपर आप खुद ही देंगे, पेरेंट्स आपके पेपर नहीं देंगे, आपको खुद पेपर देना है, खुद करना है। तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी रखिए। अब आज की डेट देखिए बेटा, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे डेट इज 7/12/2020 और डे है आपका बेटा मंडे। MONDAY क्या बना बच्चों? मंडे। आपका आज का विषय है बच्चों हिंदी, और हिंदी में बेटा आप देखिए आपको क्या पढ़ना है, उ की मात्रा। आज हम कौन से उ की मात्रा पढ़ रहे हैं? ये बड़े उ की मात्रा, ठीक है। बड़े उ की मात्रा कौन सी होती है, तो ढंग से पहचान कर लीजिए। मैंने आपको इससे पहले क्लास में छोटा उ कराया था, और अब आप बड़ा उ करोगे। तो देखो ध्यान से देखो, ये है छोटा उ और ये क्या है बेटा बड़ा उ। हमने छोटे उ की मात्रा अक्षर के नीचे इस तरीके से लगाई थी, और बड़े उ की मात्रा इस तरीके से लग दिया है, दोनों अक्षर के नीचे ही लगेंगी। लेकिन जब अगर ये का है, का में छोटा उ, का में बड़ा उ, तो आवाज का डिफरेंस बेटा होता है माइनर सा, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो बेटा, आप लोग एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। आपको बड़े उ की मात्रा करना है, ठीक है। बड़े उ की मात्रा, तो देखो सभी बच्चों को समझ में आ गई बड़े उ की मात्रा। बेटा जो बड़ी मात्राएं होती हैं उन्हें कैसे खींच के बोला जाता है, जैसे बड़ी ई की मात्रा ई, छोटे उ की मात्रा तो उ, लेकिन बड़े उ की मात्रा जब बोलेंगे तो उ, अ और आ। तो ये सब आपको आवाजें अच्छे से पता होनी चाहिए, कहाँ पे बड़ी की बोली जा रही है, कहाँ पे छोटी की, कहाँ पे छोटे उ की बोली जा रही है, कहाँ पे बड़े उ की। तो आप सभी बच्चे ब्लैकबोर्ड में ध्यान से देखेंगे, मैम ने अक्षर लिखे हैं और अक्षर के बाद मात्रा को उसमें आपको लगाना है। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? मात्रा अक्षर पे आपको मात्रा लगानी, कौन सी मात्रा लगानी है? बड़े उ की मात्रा। तो का में क्या जोड़ना है? बड़ा उ। का में बड़ा उ, ठीक है। ला में बड़ा उ, लू। ये होती है बड़े उ की मात्रा। खा में बड़ा उ, खू। वा में बड़ा उ, वू। भा में बड़ा उ, भू। ये बात खड़ियां भी होती है बेटा, का आ, जैसे क का ई ई ई, ये बात खड़ियां भी आपको याद होनी चाहिए, उसी से आपको बहुत अच्छे से मात्राएं समझ में आ जाएंगी। जा में बड़ा उ, जू। सभी का है जू। अब क्या है? मां में बड़ा उ। या में बड़ा उ, यू। पा में बड़ा उ, पू। रा में बड़ा उ, रू। गा में बड़ा उ, गू। टा में बड़ा उ, टू। तो दोनों मात्राओं में डिफरेंस है बेटा, छोटे उ की मात्रा इधर को लगती है, लेकिन बड़े उ की मात्रा इस साइड को लगती है, तो ये डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए सभी बच्चों को। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? देखिए आज आपने क्या सीखा, आज आपने बड़े उ की मात्रा के शब्द सीखे। दिस इज योर बेटा क्लास वर्क, या सभी बच्चों का क्लास वर्क है। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन मात्रा लगाएंगे, ये नहीं गंदी गंदी मात्रा ऐसे कुछ भी ऐसे बना दे, नहीं, प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने साफ साफ लिखा है दूर दूर, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब जोर से पढ़ना है, ये बड़े उ की मात्रा है तो आपको थोड़ा खींचना है। का में बढ़ाऊ, ऊ, ऐसे। ला में बढ़ाऊ, लू। खा में बढ़ाऊ, खू। वा में बढ़ाऊ, वू। भा में बढ़ाऊ, भू। जा में बढ़ाऊ, चू। कू, लू।
या में बढ़ाओ यू, पा में बढ़ाओ पू, रा में बढ़ाओ रू, गा में बढ़ाओ गू, टा में बढ़ाओ टू। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा? तो आप सभी बच्चों को ये नीट एंड क्लीन वर्क अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट बेटा, अब सभी बच्चे ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन टुडे डेट। आज की डेट डालो डायरी में 7/12/2020 और हिंदी में होमवर्क लिखो बेटा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लिखो वह याद करो। आपको लिखना भी है और आपको याद भी होनी चाहिए, आपको पहचान भी होनी चाहिए कि बड़े ऊ की मात्रा कौन सी होती है। और सभी बच्चे ये होमवर्क इसमें नोट करेंगे। ये होमवर्क आप सभी बच्चों को डायरी में ही नोट करना है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? ये आपको किसमें नोट करना है? ये आपको डायरी में ही नोट करना है। ठीक है बेटा, करके मैम से नेक्स्ट डे अपनी नोटबुक चेक करवानी है। ध्यान से देख लीजिए दोबारा, बड़े की मात्रा क, क में बढ़ाओ उ, ला में बढ़ाओ लू, ख में बढ़ाओ उ, वा में बढ़ाओ उ, भा में बढ़ाओ उ, जा में बढ़ाओ जू, मा में बढ़ाओ उ, या में बढ़ाओ यू, पा डाउट हो वो मैम से पूछ सकता है। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन काम करके नेक्स्ट डे स्कूल में अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट।